इसलिए कि आपके पास बहुमत है। आखिर चोरी किस बात की थी, क्यों थी? आप कहते हैं अमित शाह कहता है कि लोग असिस्ट कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं, तमाम नेताओं को आप बंद कर रहे हैं और बंद करके ये फैसला ला रहे हैं। हमारा ये समझना है पूरा असर इसका पड़ेगा। रोज आप नहीं रख सकते फौज को, फौज जो पहले से वहां थी पैरामिलिट्री फोर्स 10,000 और आदमी पे एक मिलिट्री का जवान है, कितने दिन आप वहां रखेंगे? क्या गाजा पट्टी आप बनाना चाहते हैं? फिलिस्तीन और इसराइल का भी बैठा हुआ है पाकिस्तान, वहां से इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है, वहां से आतंकवादी आते हैं। नीति तो तब आपकी कामयाब थी कि आम जनता से आतंकवादियों को अलग करते, आम जनता को देश की मुख्य धारा में ये रहते। ऐसा न करके पूरी तरह से सरकार फेल है और आर्थिक भी है, जैसे हमारे देश में चंडीगढ़ है वहां कोई विधानसभा नहीं है, और दूसरा जम्मू और कश्मीर को मिला के वो भी केंद्र शासित प्रदेश हो गया लेकिन वहां विधानसभा रहेगी जैसे दिल्ली में। अधिकार को लोगों के जनवादी अधिकार को छीन लिया और देश भर में इसका विरोध हो रहा है और ये ऐसे गुपचुप तरीके से किया गया। जैसे मैं तो मिसाल देता हूं कि जैसे चोरी जब करना हो, चोर किसी घर में जब दाखिल होता है और ज्यादा लोग 40 में पाकिस्तानी आर्मी को यहाँ से खदेड़ा था, जब देश का बंटवारा हुआ 1947 में तो इस देश में 600 देसी रियासतें थी, जान लीजिए ये तय हुआ कि अब देश को आजादी 15 अगस्त को दे दी जाएगी। जिना कह रहे थे कि नहीं मुस्लिम होमलैंड भी एक चाहिए। और हाँ, कैसा आप लोगों ने आज जो है प्रदर्शन किया है कलेक्टेड? देखिए लेफ्ट पार्टीज की ओर से सीपीआई सीपीएम और फॉरवर्ड ब्लॉक माले सीपीआईएम माले और सीपीआई माले और जो लेफ्ट पार्टीज हैं इस देश में और भी जो लेफ्ट ओरिएंटेड संगठन हैं, इन तमाम लोगों ने जो केंद्र ने फैसला किया और अमल में भी ला दिया, कश्मीर को खंडित कर दिया दो हिस्सों में और 370 को ख़त्म किया, धारा 370 को असंवैधानिक तरीके से और लोकतांत्रिक तरीके से बहुत गुपचुप, उसकी हम निंदा करते हैं और मांग करते हैं। आज प्रोटेस्ट उसी का है और हम मांग करते हैं कि उसको जितनी जल्दी हो सके उसको रीस्टोर किया जाए। कश्मीरियों को जो अरेस्ट किया है, सरकार का ये दावा खोखला है कि 80% कश्मीरी हमारे साथ, फिर क्या ज़रूरत पड़ी कि उनको जो है आप घरों में बंद कर दें, उनका बुनियादी हक छीन लें, कम्युनिकेशन के सारे साधन सब ड्रॉप हो गए, मोबाइल बंद है, लैंडलाइन टेलीफोन बंद है, इंटरनेट बंद है, कोई किसी से संपर्क नहीं कर सकता, नेता सब घरों में बंद हैं। ऐसे लोग जिनके लोग आतंकवाद के खिलाफ जो लोग लड़ रहे हैं, ऐसे तमाम लोग और जिनके लोग मारे गए बाप दादे आतंकवादियों के निशाने पे, ऐसे लोगों को आपने घर में बंद कर दिया। और विरोध जो है क्या 370 से है या फिर जो है 370 और उसकी प्रक्रिया, 370 होना चाहिए और उसकी जो प्रक्रिया अडॉप्ट की गई है। देखिए संविधान में ये साफ है कि 370 अस्थाई है, ये बात सही है कि उसमें लिखा है अस्थाई है, लेकिन उसको बदलने के लिए ये संविधान के में ये व्यवस्था दी गई है कि संविधान सभा जो कश्मीर की है वो मंजूरी देगी, लेकिन अब कश्मीर की संविधान सभा है नहीं, 1956 में वो डिजॉल्व हो गई तो अब उसकी जगह विधानसभा आई। तो विधानसभा से मंजूरी लेने के बजाय बीजेपी सरकार ने ये तरीका निकाला कि विधानसभा को भंग कर दिया और गवर्नर को ही विधानसभा मान लिया। हमारा इतराज़ इस पे है कि वो गलत बात है, विधानसभा से आप मंजूरी लेते और वहाँ से करके ये राष्ट्रपति से पहले ही दस्तखत करा के ले जाके आप करें कि ये लागू हो रहा है, बिल्कुल अलोकतांत्रिक है, बिल्कुल असंवैधानिक है, अमर्यादित है, ऐसा करके बीजेपी ने, हाँ उसको लेके ये प्रोटेस्ट है महाराज, लेफ्ट पार्टीज का पूरा देशव्यापी है।